हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजी सर्व टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है तो आप किसी और यूजर के थ्रू अपने गवर्नमेंट ईमेल आईडी को क्रिएट करा सकते हैं, या आपके पास जीमेल है तो जीमेल के थ्रू भी आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी अपना खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जीमेल से गवर्नमेंट ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना लूंगा। सिंपली गवर्नमेंट ईमेल आईडी ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपके पास जो भी गवर्नमेंट ईमेल आईडी है उसके थ्रू आपको ई फॉर्म्स में लॉग इन करना होगा। अब ई फॉर्म्स में लॉग इन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन करना होगा। मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है, आप फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज या सफारी कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं ई फॉर्म्स लिख देता हूँ। सिंपली ई जैसे ही मैंने लिखा तो ई फॉर्म्स डॉट एन आई सी डॉट इन ये टैब ओपन होकर के आ गया, तो सिंपली मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉग इन करना होगा। लॉग इन यहाँ से यहाँ पर जो है वो दो टाइप से कर सकते हैं, लॉग इन विद ई फॉर्म्स, लॉग इन विद परिचय। तो सिंपली लॉग इन विद परिचय करेंगे। गाइज, आप देख सकते हैं कि परिचय वाला ये वाला डैशबोर्ड ओपन होकर आ चुका है, ये इंटरफेस खुल चुका है। तो सिंपली प्लीज एंटर डिटेल्स टू प्रोसीड, यहाँ पे मैंने अपना यूजर आईडी, अपना ईमेल आईडी जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद सिंपली इसको टिक किया, आई कंसेंट टू परिचय टर्म्स ऑफ यूज, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये इंटरफेस, ये डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। अब इस डैशबोर्ड में आपको क्या करना है कि अगर आपको ई फॉर्म्स के बारे में डिटेल में जानना है तो सिंपली यहाँ से यूजर मैनुअल पर क्लिक करके यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। नो योर कोऑर्डिनेटर, आप अपने कोऑर्डिनेटर को जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने कोऑर्डिनेटर के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ जो है लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, माई रिक्वेस्ट, उसके बाद आवर सर्विसेज, अब ये सब जो है ई फॉर्म्स के सर्विसेज है। तो जो सेकेंड में टॉप टू बॉटम आते हैं तो सेकेंड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट सर्विसेज, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म डिटेल्स स्टेप वन ऑफ टू, आपको एक ईमेल आईडी ग्रुप क्रिएट करना है तो सिंगल यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा, अगर बल्क में करना होगा तो आपको यहाँ से बल्क में करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको बल्क रिक्वेस्ट चाहिए तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो भी किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल ईमेल आईडी ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो भी स्टार मार्क है, रेड ऑप्शन है, ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द लिस्ट, यानी अपेंडेंट एट lsmgr.nic.in आफ्टर लिस्ट नेम, पहले आपको जो भी नेम आप अपने अकॉर्डिंग देंगे इस टाइप से आप एक ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। एट द रेट के बाद जो डोमेन होगा वो डोमेन होगा lsmgr.nic.in। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ लिस्ट, यानी कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो चलिए मैंने ग्रुप का नेम जो भी रखा वो आप देख सकते हैं, मैंने इसे हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज से, प्राइवेसी पर्पज से। तो मैंने यहाँ पे जो ईमेल आईडी ग्रुप है वो ईमेल आईडी ग्रुप यहाँ पे डाल दिया, और उस ग्रुप का नेम क्या होगा वो मैंने डाल दिया। हालांकि ग्रुप नेम जो है वो बाद में चेंज कर सकते हैं, जो ग्रुप का ईमेल आईडी होगा वो कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक ही बार आपको अच्छे से सोच के, समझ के, विचार के आपको वो ईमेल आईडी ग्रुप रखना होगा, नहीं बार बार वो ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईमेल आईडी ग्रुप का नेम जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ विल द लिस्ट बी मॉडरेटेड, आप चाहते हैं कि कोई अगर मॉडरेटर बने तो यहाँ से यस रहने देंगे, आपको नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ से नो पे कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक मॉडरेटर बने जो इसको मॉडरेट कर सके, बीच से इनको हैंडल कर सके। उसके बाद आर ओनली मेंबर्स अलाउड टू सेंड मेल टू द लिस्ट, कह रहे हैं कि जो मेंबर लिस्ट, जो इस लिस्ट में मेंबर होंगे क्या वही सेंड कर सकते हैं मेल। ऑब्वियसली बात है, हम ग्रुप इसलिए क्रिएट करते हैं जो ग्रुप के मेंबर हों वही मेल सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे यस कर दिया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि इज लिस्ट टेम्पररी, ये जो आप ईमेल आईडी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट है। अगर टेम्पररी है तो यस करेंगे, और कब तक ये वैलिडिटी है, वैलिडिटी यहाँ पे डेट लिखना होगा, लेकिन ये मैंने परमानेंट किया है तो यहाँ पे नो पे रहने देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है विल लिस्ट एक्सेप्ट मेल फ्रॉम अ नॉन निकनेट ईमेल एड्रेस, यानी कि कोई अगर जीमेल से करना चाहे, याहू से करना चाहे, किसी और डोमेन से करना चाहे, तो क्या इस ईमेल आईडी ग्रुप में ईमेल कर सकता है,
बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ग्रुप क्रिएट किया है, जो ग्रुप मेंबर हैं वही कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर काउंट ऑफ लिस्ट अप्रोक्स, यानी कि आपको इस लिस्ट में मैक्सिमम कितने नंबर को ऐड करना है। तो सिंपली मैंने 50 दे दिया, आप अपने हिसाब से देख लेंगे कितना स्ट्रेंथ रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपली ये फुलफिल होने के बाद आप एक बार यहाँ से फिर से वेरीफाई कर लेंगे आपका ईमेल आईडी, ग्रुप का जो है ईमेल आईडी वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो चाह रहे हैं आप वही है। उसके बाद ईमेल आईडी ग्रुप का नेम क्या है, उसके बाद ये सब ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। इस ऑप्शन को चेक करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। गाइज यहाँ पे स्टेप टू में यहाँ पे ऑनर डिटेल डालना है। अगर आप सेम ईमेल आईडी को अगर आप ऑनर बनाना चाहते हैं, यानी कि आपने अपना ईमेल आईडी डाला, तो आप अगर ऑनर बनना चाहते हैं तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। सिंपली यहाँ से ऐड पे क्लिक करना होगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा। और यहाँ से आप एक्शन पे भी, यहाँ से कुछ एडिट वेडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो एज इट इज रहने देंगे। अगर आप मॉडरेटर भी खुद ही बनना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडरेटर भी डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा एंटर करना होगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप खुद ऑनर नहीं है, आप सिर्फ ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, आप मॉडरेटर बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनर कोई और है, तो सिंपली यहाँ से ऑनर का नेम डालना होगा, ऑनर का ईमेल आईडी। सपोज करिए कि आपके अंडर सेक्रेटरी सर हैं, आपके डिप्यूटी सेक्रेटरी सर हैं, उनको आप जो है ईमेल का ऑनर ऑनर बनाना चाहते हैं, तो उनके नेम को यहाँ पे लिखेंगे, उनके ईमेल आईडी को लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद ठीक उसी टाइप से मॉडरेटर में आप एज ए आईटी पर्सन हैं या कोई और पर्सन है, आप सिर्फ मॉडरेटर रहना चाहते हैं, आपको वो अथॉरिटी नहीं है ऑनर वाला, तो सिंपली यहाँ से आप जो है अपना नेम लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ऐड कर देंगे। कैप्चा आपको एग्जैक्ट भरना होगा, अगर कैप्चा नहीं आता तो यहाँ से आप एरो पे क्लिक करके आप दूसरा कैप्चा भी मंगा सकते हैं। सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म जो है ये यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस आ गया, उसके बाद स्टेट हो गया, ये सारा चीज़ आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर सारा चीज़ सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, आप यहाँ से फिर से एक बार ईमेल आईडी ग्रुप का, जो ईमेल आईडी आप बनाना चाहते हैं वो ठीक है, उसके बाद नेम ठीक है। हालांकि मैं पहले भी बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का नेम है ना, वो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं करना है तो सिंपली यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रिपोर्टिंग नोडल फॉरवर्डिंग ऑफिसर, आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे उनके उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, उनका ईमेल आईडी शो हो जाएगा, मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट शो हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू प्रोसीड, तो सिंपली मैं इसे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है कि प्रोसीड ऑनलाइन, तो सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। गाइस जैसे ही ये प्रोसीड ऑनलाइन करके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो आपके नोडल ऑफिसर के पास चला जाता है। नोडल ऑफिसर सर जब आपके फॉर्म को अप्रूव करेंगे तो वो सपोर्ट के पास चला जाएगा। सपोर्ट जब वहाँ से अप्रूव करेगा तो सपोर्ट आपके इसमें जो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे, कोऑर्डिनेटर के पास चला जाएगा। कोऑर्डिनेटर सर अगर अप्रूव करते हैं तो कोऑर्डिनेटर सर जब अप्रूव करते हैं तो वो चला जाता है एडमिन के पास। एडमिन जब अप्रूव करता है तो वो कंप्लीट हो जाता है, आपका गवर्नमेंट ईमेल आईडी बन करके तैयार हो जाता है। अब जब गवर्नमेंट ईमेल आईडी आपका बन करके तैयार हो जाता है तो सिंपली आपके पास एक मेल आ जाएगा, उसमें एक लिंक दिया हुआ रहता है, वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा या आपके मेल में भी वो आ जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर वहां जा करके आप उसे लॉग इन करके उसमें जो भी यूजर है आपको एंटर करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करेंगे, कुछ भी परमिशन उसमें देना होगा तो आप दे सकते हैं। यूजर कैसे ऐड करते हैं, यूजर कैसे रिमूव करते हैं, परमिशन कैसे देते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि तो आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कॉन्टेंट अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।